हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में एंटेना एंड वेव प्रोपोगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ट्रैवलिंग वेव एंटेना। ट्रैवलिंग वेव एंटेना टाइप ऑफ लॉन्ग वायर एंटेना ही होता है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए लॉन्ग वायर एंटेना है क्या। सो, हम ट्रैवलिंग वेव एंटेनास पढ़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने लॉन्ग वायर एंटेना की वीडियो नहीं देखी है, जाइए देख आइए। सो नाउ, ट्रैवलिंग वेव एंटेना इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग वायर एंटेना, और नाम से कुछ पता लग रहा है कि इसके अंदर वेव ट्रैवल करते हुए जाती है। जब वेव ट्रैवल करते हुए जाती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है। स्टैंडिंग वेव के लिए क्या कंडीशन थी कि एक मैक्सिमा एक मिनिमा सुपर इम्पोज करें तो स्टैंडिंग वेव बनती है। मैक्सिमा पे मिनिमा सुपर इम्पोज कब करता है, जब वेव रिफ्लेक्ट होकर मैक्सिमा मिनिमा सुपर इम्पोज हो जाते हैं। बट ट्रैवलिंग वेव एंटीना में तो वेव ओनली वन डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो कभी स्टैंडिंग वेव बन ही नहीं सकती। सो लेट्स अंडरस्टैंड सारी चीज़ें इन डिटेल। सो ट्रैवलिंग वेव एंटीना में वेव ट्रैवल करती है ऑन अ गाइडिंग स्ट्रक्चर। अब गाइडिंग स्ट्रक्चर क्या है, वो है एक लॉन्ग वायर, राइट। सो लॉन्ग वायर के ऊपर जो वेव है वो ट्रैवल करते हुए जा रही है इन द ट्रैवलिंग वेव एंटीना। सो नाउ इट इज टेकिंग द आरएफ करंट। आरएफ करंट क्या करता है, इनपुट लेता है, और इनपुट हमारा आरएफ करंट होता है जिससे हमारी वेव बनती है। जो वेव ओनली वन डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, कभी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है। सो जिसकी वजह से नॉट रेजोनेंट कंडीशन जनरेट हो जाती है, और आई कैन से एपीरियोडिक कंडीशन भी जनरेट हो जाती है। सो स्टैंडिंग वेव कभी एग्जिस्ट नहीं करती। स्टैंडिंग वेव के लिए क्या कंडीशन है, ये जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में मैंने एक फीड इनपुट दिया है। यहाँ से हम इनपुट करंट प्रोवाइड करेंगे जिससे वेव जनरेट हो जाएगी। जो वेव है वो यहाँ पर एंटेनाज में ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर ZL के थ्रू ये ग्राउंड तक पहुँच जाएगी। जब ग्राउंड तक पहुँच गई, ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए इसके लिए कोई ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए था जहाँ ये रिफ्लेक्ट बैक करे, क्योंकि ग्राउंड तक ये कंडक्टर के मीडियम से ही पहुँची है, ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। अब रिफ्लेक्ट बैक अगर करती तो यहाँ पर मिनिमा पे मैक्सिमा सुपर इम्पोज हो सकता था, और स्टैंडिंग वेव बन सकती थी या रेजोनेंट कंडीशन आ सकती थी, जो कि अब इस केस में नहीं आएगी। सो यहाँ पर नॉन रेजोनेंट कंडीशन रहेगी और स्टैंडिंग वेव जनरेट नहीं होगी। सो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को कैसे बना रहे हैं, एक लॉन्ग वायर है जिसे हमने मैच्ड इम्पीडेंस ZL से टर्मिनेट कर दिया है, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैच्ड इम्पीडेंस है तो रिफ्लेक्शंस लेस होंगी, और जिसकी वजह से जो रेडिएशन है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। नाउ आई टोल्ड यू, जब हम लॉन्ग वायर एंटीना की बात कर रहे थे तो लेंथ थी इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन टू, बट यहाँ पर जो लेंथ रहेगी ट्रैवलिंग वेव एंटीना की, वो लेंथ इससे थोड़ी सी कम हम ले सकते हैं, राइट। सो जो एंगल ऑफ लोब, मेन लोब, ये है एंगल ऑफ मेन लोब। ये जो है एंगल ऑफ मेन लोब वेरी करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के साथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वायर, राइट। सो लेंथ है एन लैम्डा अपॉन टू, जब फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे लैम्डा चेंज हो जाएगा, लैम्डा चेंज करेंगे तो लेंथ चेंज हो जाएगा। सो आई कैन से जैसे मैं ट्रैवलिंग वेव एंटीना में लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज करती जाती हूँ, तो ये एंगल चेंज होता जाएगा। लेट सपोज मेरा रिसीवर अभी यहाँ प्लेस्ड है, दिस इज माई ट्रांसमीटर। अभी जैसे मैंने इसकी लेंथ चेंज कर दी, तो रिसीवर की डायरेक्शन भी और लोकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी। मे बी पहले केस में जो रिसीवर था उसके पास मैक्सिमा मिल रहा था, अभी नल भी मिल सकता है, राइट। तो हमें रिसीवर की लोकेशन अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमा की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर हमारा करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है 600 ओम, राइट। सो ये होता है हमारा करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अब आ जाते हैं डिजाइनिंग, कैसे डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइनिंग के लिए हमें नल का एंगल चाहिए, मैक्सिमा का एंगल चाहिए। सबसे पहले तो हम पीक एंगल को देखते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं थीटा एम से, जो कि होता है कॉस इनवर्स 1 प्लस लैम्डा अपॉन 2L 2m प्लस 1। यहाँ पर m है 0, 1, 2, 3, राइट। सो अब नल्स की बात करते हैं। नल्स हम फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूला से, जब हमारा साइन स्क्वायर KL अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस 1, जब ये जीरो हो जाएगा इस कंडीशन पे मैं कहूंगी नल्स आ जाएंगे। अब साइन जीरो कब होता है, 2n पाई पे, तो साइन ऑफ थीटा, अगर मैं थीटा को 2n पाई ले लूँ, ये पूरा थीटा है, राइट, इसको अगर मैं 2n पाई के इक्वल ले लूँ तो साइन स्क्वायर जीरो हो जाएगा, राइट। सो KL अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस 1 2n पाई के इक्वल होगा।
ये हमारी नल की कंडीशन है जहाँ पर एन है 1, 2, 3 एंड सो ऑन. एंगल ऑफ नल, एंगल ऑफ नल क्या होता है, उसे हम थीटा एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है कॉस इनवर्स 1 ± n λ/L, वेयर एन इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अब आ जाते हैं टोटल रेडिएटेड पावर. जो टोटल रेडिएटेड पावर होता है वो पावर डेंसिटी को अगर हम सरफेस से इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पर डबल इंटीग्रेट करा है हमने W रेडिएटेड को ओवर DS, राइट. सो हमें टोटल रेडिएटेड पावर मिल जाएगा जो कि होएगा ईटा अपॉन 4πI₀² 1.415 प्लस LnKL अपॉन पाई माइनस Ci₂KL प्लस Sin₂KL अपॉन 2KL, राइट. अभी हमें अगर हमें रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालनी है, रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है 2P rad/I₀². P rad हमने निकाल लिया, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, I₀² से डिवाइड करेंगे, तो ये I₀² वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 कट के 2 हो जाएगा. सो ईटा अपॉन 2π 1.415 प्लस LnKL अपॉन पाई माइनस Ci₂KL प्लस Sin₂KL अपॉन 2KL, राइट. तो यहाँ पर डायरेक्टिविटी अगर फाइंड आउट करें, डायरेक्टिविटी फाइंड आउट करने के 3 फॉर्मूला थे, आई होप आपको याद होंगे. इसमें से हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं 4πUmax अपॉन P rad. P rad तो हमें पता है, ये है 4πUmax की वैल्यू जब डाली यहाँ पर बचेगा 2 cot² 1/2 cos inverse 1 − 0.371 λ/L डिवाइडेड बाय 1.415 प्लस LnK₂L अपॉन लैम्डा माइनस Ci₂KL प्लस Sin₂KL अपॉन 2KL. सो नाउ द लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा 138 log 10 4H अपॉन D, जहाँ पर H है हाइट ऑफ एंटेना अबव द ग्राउंड. नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ही सिंपल एंटेना है, टोल्ड यू सिंपल लीनियर वायर है, लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर को टर्मिनेट कर दिया है, मैच्ड इम्पीडेंस है, तो एक रेजिस्टेंस चाहिए, एक वायर चाहिए, और हम इजीली इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें लेस कॉम्पोनेंट्स चाहिए, इकोनॉमिकल भी है, इट इज़ चीपर एंड इट इज़ सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, राइट, ईजी टू कंस्ट्रक्ट. इट इज़ अ वेरी सिंपल एंटीना, इसका फंक्शनिंग भी बहुत ही सिंपली हम स्टडी कर सकते हैं. इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई है, आप देख सकते हैं 600 ओम है, तो जब भी किसी इनपुट को इसमें लगाएंगे तो इनपुट में लॉसेज होने के चांसेस कम रहेंगे. लॉसेज तब होते हैं जब इनपुट इम्पीडेंस कम होती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शंस हो जाते हैं और लॉसेज हो जाते हैं, इस केस में कम रहेंगे. इट इज़ इफेक्टिव इन मीडियम फ्रीक्वेंसी 300K से 3 MHz तक, और 3 MHz से 30 MHz तक हाई फ्रीक्वेंसी में भी इफेक्टिव रहता है. इट इज़ यूज्ड इन द एरे क्योंकि इसकी डायरेक्टिविटी कम होती है. डायरेक्टिविटी को इंक्रीज करने का एक ही तरीका है, इसे एरेज में यूज़ कर लीजिए. तो ये जो डिसएडवांटेज है यहाँ पर, इसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इसे हम एरे में यूज़ कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेज, एक तो डिसएडवांटेज यही था कि इसकी डायरेक्टिविटी कम है, जिसे हम ओवरकम कर सकते हैं एरेज में यूज़ कर. एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो इंक्लिनेशन एंगल है, ये मेजर लोब का एंगल है थीटा, ये कंट्रोल्ड बाय लेंथ हो जाता है. तो जैसे ही हम चेंज करेंगे लेंथ, हमें रिसीवर की लोकेशन चेंज करनी पड़ जाएगी, और यहाँ पर माइनर लोब्स बहुत होते हैं, बहुत सारी पावर वेस्ट हो रही है यहाँ माइनर लोब्स में, तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. अब आ जाते हैं एप्लीकेशन पर. कमर्शियल और मिलिट्री एप्लीकेशंस में ये यूज़ होता है. क्लोज सरफेस में अगर हमें कम्युनिकेशन करना हो, जैसे कि टनल्स, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं. RF और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं. आई होप आपको पूरा समझ आया होगा. अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख डालिए. आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड गिव मी योर फीडबैक एज वेल. थैंक यू सो मच.